नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं अपने सोमवार को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट ने लास्ट फ्राइडे को क्लैश है क्लोजिंग किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो SES निफ्टी ने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है 193 पॉइंट प्लस में, और डाउ जोंस ने 800 पॉइंट क्लोज दिया है फ्रेंड्स लास्ट फ्राइडे को। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स, ये मैंने SES निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, उन्होंने क्लियर कर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और ये सुपर बुलिश है आज की तारीख में। और यहाँ पे आप चेक करोगे वन डे की चार्ट में SES निफ्टी में, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही है, उसका रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर खड़ी है। अगर सोमवार को ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है तो इसमें अच्छा खासा मूव देख सकता है हमें, जिसका टारगेट आएगा पहला 18,150, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगा 18,300 के करीब जाने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स SES निफ्टी में। अगर SES निफ्टी में ऐसा होता है तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि SES निफ्टी 18,000 के ऊपर क्लोज हुआ है और हमारा निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स 17,786 पे, उसने क्लोजिंग दिया है तो करीबन 200 प्लस पॉइंट गैप ओपन होने वाला है सोमवार को। तो डाउ जोंस के बारे में भी देख लेते हैं कि डाउ जोंस में क्या सीनियर बन रहा है फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में। आप यहाँ पे चेक करोगे, ये मैंने वन डे का चार्ट लगाया हुआ है स्क्रीन पे डाउ जोंस का, तो यहाँ पे आपको वन डे की कैंडल में आप देखोगे तो यहाँ सुपर बुलिश है फ्रेंड्स, ये कैंडल जो बनी है वो एक बुलिश कैंडल बनी है। अगर सोमवार को इसके ऊपर सस्टेन कर रहती है तो उसका पहला टारगेट आएगा 33,230 के करीब जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे जा रही है 1, 2, 3 और 4 टाइम्स, तो यहाँ तक आने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स, जिसका लेवल रहेगा 33,480 के पास जाने की पूरी पॉसिबल रहेगा डाउन जोंस। अगर ऐसा होता है तो हमारे मार्केट में भी टीची देखने को मिल सकती है। तो आइए देखते हैं हमारे मार्केट में कितनी तेजी मिल सकती है देखने के लिए, वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने ये लगाया है स्क्रीन पे वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, और आप यहाँ पे चेक करोगे वन डे के चार्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसा सीनियर बन रहा है। तो जैसे कि हम ने भी देखा कि SES निफ्टी और डाउ जोंस प्लस में क्लोज हुआ है, तो हमारा मार्केट भी गैप ओपन हो सकता है। तो गैप ओपन कहाँ पे हो सकता है फ्रेंड्स वन डे की चार्ट में, अगर मैं आपको बताऊँ तो पॉसिबिलिटी रहेगा फ्रेंड्स इस जोन में ओपन होने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स निफ्टी की इस जोन में, जिसका लेवल रहेगा 17,900 से लेकर 17,950 के करीब ओपन होने की पॉसिबिलिटी है 975 के करीब। ओके, अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है और यहाँ के ओपन होने के बाद कुछ टाइम के तक सस्टेन होता है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर अपसाइड में ये ब्रेक होता है 17,900 तो उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,50 तक जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स हमारे निफ्टी में। मैं ऊपर का लेवल ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो 200 से 250 पॉइंट गैप ओपन हो सकता है 150 से 250 पॉइंट। ओके, और अगर डाउन की साइड में फ्रेंड्स 17,924 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स 17,850, और दूसरा टारगेट आ सकता है 17,800 के करीब आ सकता है फ्रेंड्स निफ्टी में सोमवार को फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा निफ्टी का लेवल। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सीनियर बन रहा है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने देखा कि SES निफ्टी और डाउ जोंस गैप ओपन होने, उसके लिए हमारा बैंक निफ्टी भी गैप ओपन हो सकता है, और उसका लेवल जोन कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, ये वाला जोन रहेगा फ्रेंड्स गैप और पॉसिबल गैप ओपन जोन, ये वाला हो सकता है हम जज करते हैं एडवांस में, जिसका लेवल रहेगा 41,300 से लेकर 41,500 के बीच में ओपन हो सकता है अगर हमारा बैंक निफ्टी इस जोन में, और उसके बाद फ्रेंड्स अपसाइड में 17,530 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट और अल्टीमेट टारगेट आ सकता है 41,000 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगा फ्रेंड्स ये गैप ओपन होने के बाद, इसको ब्रेक करता है तो 41,650 और दूसरा टारगेट आ सकता है 41,800 तक जाने की पॉसिबिलिटी रहेगा फ्रेंड्स आने वाले दिनों में हमारे बैंक निफ्टी में। और अगर फ्रेंड्स 41,330 ब्रेक करता है तो उसका टारगेट डाउन की साइड में आ सकता है 41,170
और उस साल अगर आ सकता है 41,050 के करीब, यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी कर सकता है फ्रेंड्स हमारा बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से बना, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।